आज हम बात करेंगे पीएच वैल्यू के बारे में। जितने भी मेरे बॉडी बॉडी पार्ट्स में जितने भी बोन हो गया, ब्रेन हो गया, स्किन हो गया, जितने भी चीज है सब पीएच लेवल मेंटेन किया जाता है। पीएच लेवल देखा जाता है कि एसिडिक है, बेसिक है, हम जानते हैं पीएच वैल्यू से। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है कि शक्ति जो होता है किसका शक्ति, हाइड्रोजन का शक्ति कितना है, है ना। देन इसके बाद हम इसको ये भी बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये पोटेंशियल कितना है किसमें, हाइड्रोजन में, ठीक है। और पीएच टोटल होता कितना है, पीएच वैल्यू 14। 14 में जो होता है एसिडिक और बेसिक, ये दोनों होते हैं। तो एसिडिक और बेसिक हम कैसे जानेंगे, सात यानी कि आधा आधा अगर देखें तो 7 जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। 7 जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और 7 से जो ऊपर आया है ना, 7 से यानी कि 8, 9, 10 ये जितना भी ऊपर आ रहा है ये क्या हो जाएगा, बेसिक, ये बेसिक हो जाएगा। और इससे जो नीचे आ जाएगा यानी कि 6, 5, 4, 3 ये क्या हो जाएगा, एसिडिक। ये किस में आ जाएगा, एसिडिक गिनती में आएगा, ठीक है। पीएच वैल्यू जो है आइडेंटिफाई किसको करता है, एसिडिक को और बेसिसिटी को, मतलब कि एसिड को आइडेंटिफाई करेगा और बेस को आइडेंटिफाई करेगा, कौन एसिड है और कौन बेस है। किससे पता चलेगा, ये पीएच वैल्यू से पता चलेगा हमको, ठीक है। ऑर्गन बॉडी पार्ट्स जो है हमारे बॉडी के, शरीर के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उसके पीएच वैल्यू जानेंगे, ठीक है। हम ये तो समझा दी कि पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच का जो न्यूट्रल कितना होता है, बेसिसिटी कितना होता है और एसिड कितना होता है, कितना में होता है, ठीक है। जरा बात करेंगे ब्रेन, ब्रेन की अगर बात करें तो इसका पीएच वैल्यू 7.1 होता है, ठीक है। देन सेकंड स्किन की अगर बात करें, चमड़ी की, तो इसका पीएच वैल्यू 4 से लेकर के 6.5 तक होता है। देन ओरल कैविटी, मुंह का अगर हम देखें तो इसका पीएच वैल्यू 6.8 से लेकर के 7.5 तक होता है। देन अब हम बात करेंगे सलाइवा का, सलाइवा मींस लार का, इसका अगर हम बात करें तो 6 से लेकर के 7.4 तक होता है पीएच वैल्यू इसका। ओसोफेगस की अगर हम बात करें तो 5 से लेकर के 7 तक होता है। देन गैस्ट्रिक सिक्रेशन की अगर बात करें, गैस्ट्रिक सिक्रेशन की, तो 1.35 से लेकर के 3.5 तक होता है। देन अपर स्टोमेक, अपर स्टोमेक की अगर हम बात करें तो वो 4 से लेकर के 6.5 तक होता है, ठीक है। देन लोअर स्टोमेक की अगर बात करें तो 1.5 से लेकर के 4 तक होता है इसका पीएच वैल्यू, ठीक है। देन लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो ये 4 से लेकर के 7 तक होता है, ठीक है। देन अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये कितना होता है, 7.5 से लेकर के 8 तक होता है, ठीक है। देन हम बात करें ड्यूडेनम का, तो ड्यूडेनम कितना होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 से लेकर के 8.5 तक होता है। देन बाइल ड्यूक्ट की अगर हम बात करें पीएच वैल्यू की, तो 7.6 से लेकर के 8.8 तक पीएच वैल्यू होता है। देन अगर हार्ट की, धड़कन की अगर हम पीएच वैल्यू जानते हैं, जाने तो इसका 7 से लेकर के 7.4 तक होता है, ठीक है। देन पैनक्रियाटिक सिक्रेशन की अगर हम बात करें, उसका पीएच वैल्यू जाने तो 8 से लेकर के 8.3 तक होता है, ठीक है। देन अब बात करेंगे हम लीवर की, लीवर का अगर हम बात करें पीएच वैल्यू का, तो 7.2 होता है लीवर का। बोन यानी कि हड्डी का अगर हम देखें तो 7.4 होता है। स्केलेटल मसल का अगर हम बात करें तो 6.9 से लेकर के 7.2 तक होता है। ब्लड की अगर बात करें, खून का अगर पीएच वैल्यू का अगर बात करें तो 7.4 होता है, ठीक है। देन वेनस ब्लड का अगर हम बात करें तो इसका पीएच वैल्यू 7.3 से लेकर के 7.35 तक होता है, ठीक है। देन इसके बाद कैपिलरी ब्लड, कैपिलरी ब्लड की अगर हम बात करें तो इसका 7.35 से लेकर के 7.4 तक होता है, ठीक है। देन आर्टेरियल ब्लड की अगर हम बात करें तो 7.4 से लेकर के 7.45 तक इसका पीएच वैल्यू होगा। यूरिन की अगर हम बात करें तो यह 4.6 से लेकर के 8.0 तक होगा, ठीक है। देन हम अब बात करेंगे वाटर का, वाटर न्यूट्रल है, 7 यानी कि न्यूट्रल है। वाटर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि 7 है पीएच वैल्यू। मिल्क की अगर बात करें तो 6.4 होता है, ठीक है। वाइन यानी सांप की अगर हम बात करें तो 2.8 होता है इसका पीएच वैल्यू, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। सी वाटर की अगर हम बात करें तो 8.5 होता है, यानी कि बेसिसिटी होता है।
टीयर की अगर बात करें तो 7.4 है, यानी कि ये भी बेसिसिटी है। देन NaCl की अगर बात करें तो 7 होता है, यानी कि न्यूट्रल है। ठीक है, चलिए अब हम आपको एक चीज बता दें कि अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा, आपको सीखने को मिल रहा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है,